नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों ने 60 किलो का बम बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक पुल के नीचे कटेल कल्याण रोड में यह बम लगाया गया था। फोर्स की सर्चिंग में यह बम बरामद किया गया है। मामले में दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव ने पुष्टि की है, पुलिस की सफलता से नक्सलियों की बड़ी साजिश फेल हो गई है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, सुरक्षा बलों को हालांकि देखे तो सफलता हाथ लगी है, पर किस मकसद से ये नक्सली वहां पर घुसे थे? ऋतु, मैं आपको बता दूं कि दंतेवाड़ा से कटेकनार का मुख्य मार्ग है, जिसमें मेटापाल गांव के पास में नक्सलियों ने ब्रिज के नीचे में 60 किलो का बम लगाया था। इसमें से मतलब हाई एक्सप्लोजिव है, जिसमें डेटोनेटर, जिलेटिन जैसे मतलब तमाम घातक पदार्थों को बना करके बम को तैयार किया गया था। इसे उन्होंने बड़ी चालाकी से दो लेयर पे लगाया था। दो टिफिन के बड़े बड़े डब्बे थे, एक एक डब्बे पर 30 किलो का एक्सप्लोजिव भरा हुआ था, और इसे पूरा सीरेज सिस्टम से वो बिल्कुल रेडी टू मटेरियल एंड ब्लास्ट की पोजिशन को लगा करके रखा हुआ था। और इसी मेटापाल गाँव में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह रैली करना चाहते थे। कुछ समय पहले पुलिस को इनपुट थी कि इस इलाके में नक्सली कोई बड़ी षड्यंत्र और साजिश रच के रखे हुए हैं। इस लिहाज से दंतेवाड़ा एसपी ने उन्हें उस समय सुरक्षा नहीं दी थी, तो आरोप भी लगातार खैर कि विपक्ष के लोगों को सुरक्षा नहीं दी जा रही है। तो कुल मिलाकर के ये जो एक्सप्लोजिव बम है, इसकी मारक क्षमता इतनी ज्यादा है कि बड़ी से बड़ी गाड़ी को पल भर में निश्चय नाबूद कर सकता था। इतना बड़ा एक्सप्लोजिव बम था, बहुत बड़ी कामयाबी दंतेवाड़ा पुलिस के हाथ लगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी बीच खबर आपको बता रहे हैं।